ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अभी अभी देख कर आया हूँ मैं राजकुमार हिरानी और SRK की मच अवेटेड मूवी टंकी। और लिटरली यार, इस मूवी को देखने के बाद याद आया कि बॉलीवुड मूवी में कॉमेडी भी होती है। मतलब कि यार, आप सच सच बताना कि 2023 के अंदर आपने कौन सी ऐसी बॉलीवुड मूवी देखी है जिसे देखने के बाद आपको हंसी आई होगी। और दोस्त यार, इस मूवी को देखने के बाद लिटरली वो बॉलीवुड की पुरानी कॉमेडी याद आ गई। मतलब कि यार, आप खुद ही देखो ना कि पहले बॉलीवुड में कितनी कॉमेडी और इमोशन से भरी हुई मूवी बनती थी, लेकिन दोस्तों काफी टाइम से बॉलीवुड के अंदर ऐसी मूवी नहीं बनी थी। और लिटरली यार, इस मूवी के फर्स्ट हाफ ने तो बहुत हंसाया, लेकिन दोस्तों इसके सेकंड हाफ ने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। वेल दोस्तों यार, सभी चीजों को छोड़कर बात करते हैं इस टंकी मूवी की डिटेल में। तो देखिए यार, सबसे पहले मैं आपको अगर इसकी स्टोरी बताऊं बिना किसी स्पॉइलर के, तो देखिए यार, इसकी स्टोरी है 5 दोस्तों के ऊपर, जिसमें कि भाई साहब जो विक्की कौशल का कैरेक्टर होता है सुखी, वो यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। लेकिन दोस्तों यार, विक्की कौशल का इसमें छोटा सा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और लिटरली यार, फर्स्ट हाफ में उनकी एक्टिंग देखकर मजा ही आ गया। वेल गाइस, विक्की कौशल की तरह और ये 3 कैरेक्टर होते हैं जिन्हें लंदन जाना होता है। अब देखिए यार, इनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, जिस वजह से ये सोचते हैं कि हम लंदन जाकर ज्यादा पैसा कमाएंगे और हम अपने घर वालों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है अपने सुखी की। मतलब कि यार, जो विक्की कौशल का सुखी का कैरेक्टर होता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास मिलने जाने होता है लंदन, क्योंकि दोस्तों यार, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, उसकी जबरदस्ती उसके पापा लंदन के लड़के के साथ शादी करा देते हैं। और फिर वो लंदन का लड़का विक्की कौशल की गर्लफ्रेंड को बहुत मारता है, इसी चक्कर में भाई साहब वो लंदन जाने की सोचता है। वेल गाइस, अब मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा कि ये सुखी का कैरेक्टर लंदन पहुंचता है या नहीं, वरना दोस्तों स्पॉइलर हो जाएगा। तो देखिए यार, सुखी की तरह सभी के पास एक एक कठोर वजह होती है लंदन जाने की। और जिस तरीके से अपने राजकुमार हिरानी ने इसकी स्टोरी को प्रेजेंट किया है, वो बहुत ही अच्छा है। वेल गाइस यार, सभी चीजों को मिला के इसका फर्स्ट हाफ तो काफी अच्छा और कॉमेडी से भरा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो सेकंड हाफ है वो टोटल इमोशन से भरा हुआ है। मतलब कि यार, उस सेकंड हाफ में आपके लिटरली आंसू भी निकल आएंगे। वेल गाइस, ओवरऑल सेकंड हाफ से इस मूवी की स्टोरी अच्छे तरीके से डेवलप होकर चलती है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर आपको इसकी स्टोरी थोड़ी लैग करते हुए दिखेगी। मतलब कि यार, कहीं कहीं पर आप थोड़ा बोर हो जाओगे। और दोस्तों यार, इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही बेसिक है। मतलब मुझे इसकी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लिटरली जब आप सिनेमा हॉल में मूवी इंजॉय कर रहे होगे और दोस्तों जब लास्ट का सीन आएगा, तब मूवी कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ओवरऑल गाइस, सभी चीजों को मिला के मुझे इसका फर्स्ट हाफ काफी अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों सेकंड हाफ थोड़ा बेसिक लगा। इसीलिए दोस्तों मैं सभी चीजों को मिला के इसे दूंगा 3/5 स्टार। और दोस्तों आपको एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को देखने जरूर जाओ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।